तो ये जो आपको मुंबई की खूबसूरती को इस वीडियो में देखने को मिलेगा, ये है मुंबई के CSMT स्टेशन, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। और ये देखिए रात में कितना खूबसूरत यहाँ से लग रहा है। और ये देखिए अंग्रेज के जमाने का बनाया हुआ चीज़ कितना काबिल तारीफ है, क्योंकि अभी चमचमाता हुआ ये स्टेशन जो कि मुंबई का। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो फाइनली मैं हूँ अभी मुंबई के CST में, जैसे कि आपको इधर से दिख रहा होगा पूरा। और CST का जो नाइट का व्यू है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, कि रात में जो है CST में लाइटिंग वगैरह काफ़ी स्टेशन पर किया जाता है, वो सब दिखाने की कोशिश करेंगे। चलिए आप लोग वीडियो बने रहिए। उससे पहले कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो कर लीजिए। चलिए देर न करते वीडियो को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और ये वही स्टेशन है जो सबसे पहले भारत में रेल की शुरुआत इसी स्टेशन से, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर थाने के बीच में चलाया गया था। और ये देखिए स्टेशन, जो कि हर स्टेशन जो मतलब बदल चुका है, कोई भारत सरकार द्वारा बनाया जा चुका है, लेकिन ये जो अंग्रेज के द्वारा बनाया गया। और ये सामने जो है महानगर पालिका का मुख्यालय, मेन हेड ऑफिस है जो कि मुंबई का। और ये देखिए यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है, रात में लाइटिंग इसमें गजब लगाया जाता है, क्योंकि ये भी टूरिस्ट पैलेस एक मुंबई का माना जाता है। यहाँ भी लोग घूमने फिरने आते हैं और यहाँ फोटो निकालते हैं। और रात को कितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। और यहाँ से देखिए गाड़ी का आना जाना सब, लगभग रात में तो यहाँ गाड़ी का काफिला लगा रहता है, रात समझ में आता ही नहीं। मुंबई कभी, मैं बार बार बोलता हूँ, मुंबई कभी सोती नहीं है। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ ये स्टेशन जो कि CST। और यहाँ से देखिए आपकी जहाँ तक नज़र जाएगी लाइट ही लाइटिंग के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं। और स्टेशन को और उसके आजू बाजू का मैं इस लोकेशन को दिखा रहा हूँ, ये जो कि गाड़ी के आने जाने का सिलसिला चालू है। और यहाँ मुंबई का टूरिस्ट पैलेस में से एक माना जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा लोग घूमने फिरने आते हैं। और ख़ासतौर से ये सामने का जो मुख्यालय दिख रहा है, और इसको भी लोग यहाँ देखते हैं और इसके सामने फ़ोटो वगैरह शूट कराते हैं। और कितना खूबसूरत दिख रहा है, देखिए मुंबई महानगर पालिका मुख्यालय, और रात में कितना खूबसूरत लग रहा, चूँकि लाइटिंग गजब किया गया इसके ऊपर। और ये देखिए किसी का कुछ यहाँ लग रहा है, कुछ जुलूस वगैरह निकल रहा है। और ये देखिए पूरा ढोल ढांसा के साथ यहाँ से जुलूस को निकाला जा रहा है, तो ये तो होता रहता है। लेकिन मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लाइट जो लगता है तो रात में कितना खूबसूरत, जो कि CST स्टेशन और उसके बाद में जो मुख्यालय है मुंबई महानगर पालिका का, बहुत ही गजब देखने को लगता रहता है। तो अगर आप मुंबई किसी कारण से आते हैं तो आप यहाँ एक बार रात को भी विजिट ज़रूर करें, क्योंकि रात को बहुत ही खूबसूरत आपको देखने को मिलेगा और बहुत ही मज़ा आएगा यहाँ पर आकर देखते हैं तो। और यहाँ पर देखिए गाड़ी वगैरह भी रुकी हुई है, यहाँ पर सिग्नल किसी को रेड मिला किसी को ग्रीन है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर गाड़ी जाती है। और ये जो एरिया है जो कि मुंबई CST का, जो कि पहले CST के नाम से था लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया, CSMT के नाम से अब जाना जाता है। और यहाँ पर आपको पूरा पुरानी पुरानी बिल्डिंग, बड़ी बड़ी इमारत जो कि अंग्रेज के टाइम का बनाया हुआ जो बिल्डिंग है, वो सब ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया का एरिया जितना भी है जो कि CSMT से पूरा। और ये देखिए CSMT का स्टेशन, जो कि आपको यहाँ से पूरा प्लेटफॉर्म नंबर कितना कितना यहाँ पर है वो सब दिखा रहा है, यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कितना खूबसूरत दिख रहा है यहाँ से। ये देखिए स्टेशन जो कि CST का। और इससे थोड़ा सा आगे जाते हो तो वो जो लॉन्ग ट्रिप वाला जो ट्रेन है, जो कि एक दूसरे स्टेट में ट्रेन जाते हैं, वहाँ से यहाँ से ट्रेन पकड़ने के लिए लोग यहाँ से आते हैं। ये गाड़ी वगैरह सब दिख रहा है, ये गाड़ी जो आती है जैसे कि मुंबई से बाहर जो ट्रेन जाती है वो सब यहाँ